नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे सीटेट यूपी टेट एग्जाम 2023 लेटेस्ट अपडेट के बारे में। तो आज हमारी तारीख हो चुकी है 3 अगस्त 2023 की। बड़ी अपडेट में सबसे पहले बात करेंगे आज की ब्रेकिंग न्यूज, यूपी टेट सीटेट नोटिफिकेशन लेटेस्ट अपडेट को देखेंगे। जी हाँ दोस्त, इस समय एक और बड़ी अपडेट आ रही है बिहार शिक्षक भर्ती को लेकर। जी हाँ, इस बार दोस्तों बिहार शिक्षक भर्ती में बायोमेट्रिक हाजिरी बनेगी, याद रखिएगा जरा। तो साल्वर गैंग वाले थोड़े सावधान। डीएलएड में प्रवेश को फिर बढ़ेगी आवेदन की तारीख। उसके बाद एडेड व प्रसिद्धि स्कूलों में शिक्षक भर्ती, नए आयोग से उच्च शिक्षा मंत्री बोले। 7 अगस्त से शुरू होने जा रहे हैं सदन में पारित होगा विधेयक। अगली अपडेट आती है दोस्तों, देखिए रेलवे में 2,63,000 पद खाली, रेल मंत्री ने दिया पदवार ब्यौरा। तो तैयार रहिए बड़ी बड़ी वैकेंसी के लिए, ठीक है। तो देखिए होता क्या, जब आप लोग के सामने छोटी छोटी वैकेंसी आती है 1,500, 1,600, 1,000, 2,000, तब आप लोग परेशान होते हैं। जी नहीं, ये स्मार्ट वर्क नहीं, स्मार्टनेस क्या है, जब 1,70,000 जैसे बिहार में बड़ी वैकेंसी है, रेलवे में 2,63,000 ऐसी बड़ी बड़ी वैकेंसी खाली है, जब इस वैकेंसी पर आए तो पूरा ध्यान केंद्रित करके 100% आपकी एक सीट यहाँ पर क्लियर हो सकती है। अभी आप लोग देखिएगा बिहार शिक्षक भर्ती में आपके कितने साथी नौकरी पा जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा अरे ये नौकरी पा गया, ठीक है। तो बहुत से बच्चे बताते नहीं कि हमने आवेदन कर दिया है, सब बच्चे चुपके चुपके तैयारी में लग जाते हैं। सीटेट यूपी टेट पासिंग नंबर जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी एससी एसटी फिजिकल हैंडीकैप। तो जनरल ईडब्ल्यूएस में पासिंग नंबर 90 नंबर, बाकी सभी में 82 नंबर। लेकिन याद रखिए जब आप लोग बिहार शिक्षक भर्ती की तरफ आगे बढ़ रहे हैं तो यहाँ पर भी दोस्तों, अगर आप यूपी के बाहर के छात्र हैं तो यहाँ पर भी आपके पासिंग मार्क 90 नंबर बनेगी। सीटेट का प्री एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया है, लेकिन यहाँ पर दोस्तों एक और इम्पोर्टेंट बात है सीटेट के एडमिट कार्ड में। इम्पोर्टेंट बात ये है ना सीटेट में कि इस बार जो आप लोग अभी तक नकल कर लेते थे, देखिए जरा रोल नंबर समझिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ऐसे रोल नंबर आपका बनेगा। मान लेते दोस्तों आपका रोल नंबर 4 है, तो जो बच्चा रोल नंबर 1 होगा इसका मान लेते हैं कि इसका पी सीरीज है पेपर का, आपका भी पी सीरीज है, 7 का भी पी सीरीज है, ठीक है। और मान लेते हैं कि भाई जो क्वेश्चन नंबर, ये दो रोल नंबर इसका क्यू सीरीज बन गया, इसका भी यहाँ पर क्यू सीरीज बनेगा, लेकिन आपका मतलब सिर्फ इन सीरीजों से होगा, पी वालों से। अगर इसने भैया 15वां क्वेश्चन गलत किया, चौथे ने भी 15वां क्वेश्चन गलत, सातवें ने भी 15वां क्वेश्चन गलत, ठीक है, तब यहाँ पर एक डाउट आ जाएगा कि क्या आप लोगों ने नकल तो नहीं किया है। और क्लियर दोस्तों, अगर आपने अभी प्री एडमिट कार्ड डाउनलोड किया होगा तो वहाँ बिल्कुल ये बात क्लियर लिख दी गई है। जरा आपके सामने दिखाते हैं, जब आप लोग अपना प्री एडमिट कार्ड डाउनलोड करेंगे तो ये दोस्तों जो 4 नंबर का विकल्प है ना, इसको जरा ध्यान से पढ़िएगा। योर रिस्पॉन्स आंसर मे बी एनालाइज विद द अदर कैंडिडेट टू डिटेक्ट पैटर्न्स ऑफ सिमिलैरिटी ऑफ राइट एंड रॉन्ग आंसर। देखिए जो क्वेश्चन सही रहेंगे उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब भाई 150 में से अगर आप 150 नंबर स्कोर करने की क्षमता रखते हैं, चाहे आप हो चाहे पूरी क्लास हो, तब इसमें सीबीएसई सीटेट आपका कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि आपके अंदर वो टैलेंट है। लेकिन आपकी क्लास में से भैया सभी बच्चे सिर्फ 149 नंबर ला रहे हैं और सभी बच्चे का 75 ही क्वेश्चन गलत हुआ है, तब यहाँ पर डाउट क्लियर हो जाएगा। अब किसी बच्चे का 74 गलत होना चाहिए क्वेश्चन नंबर, किसी का 72 गलत होना चाहिए, तब तो ये नहीं पकड़ पाएंगे। लेकिन कुछ तरीके समझ जाइए, नहीं तो फिर आपकी मेहनत पर पानी फिरेगा। पुनर्जन्म आत्मा और मोक्ष की पढ़ाई होगी। जी हाँ दोस्त, भैया कानपुर से बड़ी अपडेट आती है, छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय में अब पुनर्जन्म आत्मा और मोक्ष की पढ़ाई कराई जाएगी। तो जरा आपको पढ़ाई करता हूँ यहाँ पर इसके बारे में, तो आप यहाँ पर आ सकते हैं। अगली खबर देखिए, डीएलएड में दोस्तों, अगर आप यूपी डीएलएड के स्टूडेंट हैं, उत्तर प्रदेश में अगर आप डीएलएड करना चाहते हैं, लेकिन उससे पहले हम आपसे एक बात कहेंगे कि जो अभी बीएड वर्सेस बीटीसी का मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है, बस उस फैसले का इंतजार करिए। जी हाँ, बीटीसी के छात्र चाहते थे कि बिहार शिक्षक भर्ती से पहले, जी हाँ दोस्तों, ठीक है, आवेदन करने से पहले बच्चे मांग रखे थे कि भाई कोर्ट का फैसला आ जाए ताकि बीएड के छात्र बाहर हों। तो जरा देखते हैं कि फैसला क्या आता है। वैसे उम्मीद है कि बीएड के छात्रों को बाहर नहीं किया जाएगा, क्योंकि बीएड करने वाले छात्रों की संख्या भी लाखों में, ठीक है। तो इस अपडेट को जरा देखते हैं, बीपीएससी बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी शिक्षक नियुक्ति, ठीक है, परीक्षा की तैयारियों में जुट गया है। परीक्षा में किसी तरह की गड़बड़ी नहीं हो और कोई फर्जी परीक्षार्थी स्कॉलर ना बैठ सके, इसके लिए अभ्यर्थियों की बायोमेट्रिक उपस्थिति ली जाएगी। परीक्षा में किसी तरह की गड़बड़ी करने वाले छात्रों को सीधे जेल भेजा जाएगा और आगे बिहार की परीक्षाओं में 5 साल तक के लिए वंचित कर दिया जाएगा।
सभी केंद्रों पर जैमर लगाए जाएंगे। सभी डीएम को अच्छे परीक्षा केंद्रों का चयन करने का निर्देश दिया गया ताकि कहीं किसी तरह की धांधली नहीं हो सके। परीक्षा दो पालियों में होगी। पहले दिन 24 अगस्त को हिंदी व सामान्य अध्ययन की संयुक्त परीक्षा में दो पालियों में होगी। ठीक है, कुल 8,15,000 अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल भी होंगे। इसके अलावा आपको बता दें 25 से 27 तक अलग अलग परीक्षाएं होंगी। आयोग की ओर से परीक्षा का शेड्यूल जल्द ही जारी कर दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद देख सकते हैं एडेड व प्रसिद्धि स्कूलों में शिक्षक भर्ती नए आयोग से। देख सकते हैं समूह ग के 900 से अधिक पदों पर भर्ती के लिए हरी झंडी मिल गई है। नया शिक्षा सेवा चयन आयोग सिर्फ एडेड शिक्षण संस्थानों और परिषदीय स्कूलों में ही शिक्षकों की भर्ती करेगा। राजकीय विद्यालयों और महाविद्यालयों में पूर्व की बात ही उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग UPSC के माध्यम से ही भर्तियां होंगी। ठीक है, बुधवार को प्रयागराज आए प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने सर्किट हाउस में यह बात कही। तो दोस्तों देखिए, जो भी अपडेट आती है हर एक अपडेट पर आप लोग नजर बनाए रखा करिए। ठीक है, उसके बाद ये अपडेट आपने देख ही लिया। फिर पुनर्जन्म की अपडेट हो गई, यहाँ पर ये पढ़ाई होने वाली है। सीटेट का एडमिट कार्ड आ चुका है, फ्री वाले इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। सभी बच्चों को लगभग गृह जनपद मिल गया, भले आपने दिल्ली सेंटर डाला हो उस समय, लेकिन आपको आपका ही जिला मिल गया होगा, उम्मीद करते हैं। ठीक है, बाकी हमने कमेंट बॉक्स में भी लिंक दे दिया जहाँ से आप लोग सीटेट का अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। सोशल मीडिया की तमाम अफवाह से बच के रहिएगा कि बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा की डेट टलेगी या कुछ ऐसा न्यूज अगर आपके तक आ रही हो तो उससे बच के रहिएगा। ठीक है, क्योंकि सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, चुनाव आने वाला है, तो उस हिसाब से बड़ी वैकेंसी है, तो नियुक्ति पत्र और नियुक्ति तक का पूरा प्रोसेस जल्द से जल्द करने का। ठीक है, यहाँ पर टारगेट रखा गया है 20 अगस्त को सीटेट का पेपर है, उसके बाद BEd BTC कोर्ट की जो अपडेट आएगी वो हम आप तक पहुँचाएंगे। एक बात और आपको बता दें, 69,000 शिक्षक भर्ती में 19,000 सीटों पर आरक्षण के मुद्दे पर अपील की हाई कोर्ट में सुनवाई आज है। 69,000 शिक्षक भर्ती मामले से जुड़े 19,000 सीटों पर हुए चयन में एकल पीठ के फैसले को आरक्षण के मुद्दे पर चुनौती देने वाली विशेष अपील पर हाई कोर्ट की लखनऊ पीठ में बृहस्पतिवार को सुनवाई होगी। तो तैयार रहिएगा दोस्तों, आज एक बड़ा फैसला यहाँ पर सामने आ सकता है। जो बच्चे OBC ST कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं उनके लिए अहम खबर होगी। अब 2023 में नौकरी पाने के लिए कितना नंबर चाहिए है बिहार शिक्षक भर्ती कहीं पर भी, आप 270 से लेकर 80% अगर आप स्कोर करने की क्षमता रखते हैं पेपर में तो आप लोगों की नौकरी लगभग लगभग कंफर्म होती है। लेकिन 69,000 भर्ती में ऐसा नहीं हुआ। 69,000 शिक्षक भर्ती में 60 से लेकर 65% पासिंग मार्क की तय कर दिया जाता है, मतलब 150 में से आप 97 नंबर लाते हैं तो जनरल कैटेगरी में आप सिर्फ पास होते हैं। ठीक है, तो ये भूल जाइएगा, कम से कम 80+ या 85 से लेकर 90% तक आपका नंबर आना चाहिए, क्योंकि जो ये शिक्षक भर्ती का पेपर होता है ना, ठीक है, जो शिक्षक भर्ती का पेपर होता है इसमें वही बच्चे सम्मिलित होते हैं जिनका टेट क्लियर हो, तो सिंपल सी बात है ये बच्चे कमजोर छात्र नहीं होते। तो चलिए दोस्तों, कमेंट बॉक्स में लिंक दिया गया जहाँ से आप UPTET CTET SuperTET हर एक अपडेट प्राप्त कर पाएंगे। एडेड व प्रसिद्धि स्कूलों में शिक्षक भर्ती नए आयोग से। ठीक है, तो चलिए मिलते एक और वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, सोशल मीडिया की तमाम अफवाहों से बच कर रहिए। हैव अ नाइस डे।